सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। अक्सर हम कहते हैं कि एज एन एक्टर जब हम कि शगुन आपको वीर आईपीएस ऑफिसर प्ले करने का मौका मिला तो आप किस किरदार को देखते हैं या किस सुपरस्टार का किया हुआ किरदार? मैं नहीं देखता, मैं पुलिस को देखता। ये इंसान जहाँ रहे वहाँ मस्ती ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम मैं सही में बता रही हूँ कि मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि जो मेरा पहला लीड है ऐसे हीरो के साथ। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। ओह थैंक यू। मेरा बलम थानेदार। बालम बालम थानेदार। हम्म, बताएं। बहुत डिफरेंट है शो। पहले तो बिल्कुल भी, काफी लोग हमारे शो को बालिका वधू और वो सबसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। शशि मैम, शशि सुमित प्रोडक्शंस का ये जो शो है इसमें सब कुछ डिफरेंट है। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एक चुलबुली सी लड़की है जो सिर्फ कन्वेंशनल चुलबुली नहीं है, जो आपको लगता है कि चुलबुली से चुलबुली और एक कॉपी कॉपी ऐसा होता है। नहीं, अलग है सब कुछ। वो जिंदगी से भरे लोग हैं और उनकी आसपास की चीजें उन जिंदगियों की जिस तरह जर्नी रही है उससे बड़ी इन्फ्लुएंस रही। और सिर्फ आप जो किरदार अभी बाय चांस जो इस पोस्टर पे है उनको नहीं, इसके पीछे जो पिलर्स हैं जितने हमारे किरदार हैं आप उनको उस जिंदगी से जुड़ा सब लोग एक सुर पे हैं तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ जब हम कहते हैं कि एक चुलबुली तो हमें लगता है कि अच्छा ये वैसा होगा और ये वैसा होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारा शो आ रहा है तो हम आपको बोले नहीं, ऐसा नहीं। एक कल्चर से रिलेटेड कहानी है जो कि राजस्थान में सेट है, है ना, और अलग अलग किरदार है जो कि आपको अलग अलग फ्लेवर और कलर्स देते हैं कहानी में। वीर सारे किरदार नहीं कर सकता और बुलबुल भी सारे किरदार नहीं कर सकती, तो अलग अलग रंग हैं फिर वो रेनबो बनेगा और आप लोग देखेंगे। बात की जाए तो यहाँ आप सब इसमें लड़कियों के लिए स्टैंड लेते हैं जिनकी शादी कर रही होती है उनके लिए, जो कम उम्र शादी, मगर आपकी शादी ऐसे हुई जब आपको पता चले तो क्या रिएक्शन होनी चाहिए? जी देखिए, अगर आप वीर को बुनियादी तौर पे देखें तो वो एक राइटियस मैन है जो झूठ पसंद नहीं करता, और इंस्पेक्टर अपना आईपीएस बना है क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक पास्ट रहा है, इसीलिए ही चाहे चूज टू जॉइन दीज फोर्सेस। इसके बाद जब अनोइंगली वेरी क्लियरली मैं बोलूँगा क्योंकि किसी वजह से, वो वजह क्या है वो बहुत वाजिब वजह है, जब आपको लगेगा ओ ये हो सकता है, इसीलिए शायद बुलबुल को ये मालूम नहीं है कि वो नाबालिग है और इसीलिए वीर को भी मालूम नहीं है कि जब फैमिली को नहीं पता या इनको नहीं पता कि इनका ये एज का प्रॉब्लम कैसे हुआ। और फिर इस लड़के का तो फैमिली से बाहर का लड़का, और जब इससे शादी होगी या जो भी होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एक वाजिब वजह थी जिस वजह से इनकी शादी हो गई है। और अब इनका एज डिफरेंस, इनका कहानी में दोनों का मूड अलग होना, प्रिंसिपल और एथिक्स कोर लेवल पे सेम है लेकिन अप्रोच अलग है। ये लोग जब साथ में आते हैं तो एंटरटेनमेंट के साथ, सोशल मैसेज के साथ, अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छी डिफरेंट डायरेक्शन, स्पेशली टीवी को एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके बाद ये और इसके बाद ये, और डिजिटल यहाँ वो नहीं हो रहा है। हम आपको एक, जब हम आपको एक्चुअली बोल रहे हैं फ्रेश एक चीज है तो ये है फ्रेश, आपको देखने में मजा आए। बात करें पुलिस की तो मतलब पुलिस को सोचते ही हमारे माइंड में काफी सारी चीजें आती हैं, तो जब आपको ये ऑफर किया पुलिस में बनने का आपने क्या फॉलो किया, मतलब किसको फॉलो करना? अक्सर हम कहते हैं कि एज एन एक्टर जब हम कि शगुन आपको वीर आईपीएस ऑफिसर प्ले करने का मौका मिला तो आप किस किरदार को देखते हैं या किस सुपरस्टार का किया हुआ किरदार? मैं नहीं देखता, मैं पुलिस को देखता हूँ, जो हमारे साहब बाहर खड़े हैं इस ऑफिस के बाहर और जो लाखों का ट्रैफिक संभाल रहे हैं अकेले खड़े, उनको उस वर्दी का पावर है। अभी हम आप और बाकी सब लोग कैजुअल में खड़े हैं, आप कोई इशारा करें कोई सुनेगा नहीं, लेकिन उस वर्दी का एक पावर है, उस वर्दी का एक कॉल ऑफ एक्शन है, उस वर्दी का ना सुनने का एक रेपरकशन है। जब वो मुझे, ऑफ कोर्स देयर आर रिस्पेक्टेबल बिग लेजेंड कल्ट स्टार्स बच्चन साहब,
Then there is Suryavanshi recently, which released Akshay Kumar. Rohit Shetty is a pop universe. Siddharth Malhotra is playing. Ranveer Singh playing Simba. And Ram Charan has played a cop. But I'm not looking at them. I'm looking at an actual cop. It's not a... I'm not trying to act the part. I'm trying to be one. And the righteous one. Jo apni duty honestly puri karna chahta hai. Or I'm not trying to be a cool hero here. I'm just trying to be a good cop. And if by God's grace people like the part, then they will make me a hero. That's it. बड़ी खुश थी मैं तो. I was like, hey, चलो. पहला था हमारा मॉक टेस्ट के टाइम आई गेस. तब हम दोनों ही नर्वस थे. नहीं उसके बाद पर मैं हो गई थी दूसरे वाले में. पहले आई वाज नॉट बट हां बात फिगर आउट नहीं कर पाते. हम दोनों ही अपने कैरेक्टर्स को समझने की ट्राई कर रहे थे कि क्या करना है. तो वी वांटेड टू क्रैक द पार्ट कि मिल जाए यार, मिल जाए हमें, क्योंकि ये तो आज हो गया है. ये सपना मतलब करीब है हम उस सपने के. लेकिन जब आप सोच रहे कि काश मेरा बालम थानेदार इतनी, हमें जब स्टोरी सुनाई गई थी और फिर बोला था अब आपको इसके लिए टेस्ट करना है, तो यार ये कैसे होगा, मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूंगा इसमें. एक तो शशि सुमित प्रोडक्शंस का सबका ड्रीम होता है उस प्रोडक्शन हाउस में काम करना, और ऊपर से कलर्स का तो देन इट वाज लाइक कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा उस चीज को लेके थे कि कैसे हम इसको क्रैक करना कर लें यार, ये मुकम्मल हो जाए किसी तरह. और हम टेस्ट कर रहे थे और हमने वहां पे एक दूसरे को एक प्रॉमिस किया. और मैंने कहा पता नहीं यार, बहुत लोग तुम्हारी भी टेस्टिंग बहुत पेयर्स के साथ चल रही है, मेरी टेस्टिंग भी बहुत पेयर्स के साथ चल रही है, और सब लोग एलिजिबल है, एवरीबॉडी इज गुड. बट इफ गॉड गिव्स अस दिस, वी विल गिव एवरीथिंग टू द ऑडियंस फर्स्ट, देन आर मेकर्स, विल मेक आर डायरेक्टर हैप्पी, एंड वी विल जस्ट गिव देम एवरीथिंग. लॉट ऑफ पीपल आस्क अस, आपके क्रिसमस प्लान क्या है, आपके न्यू ईयर प्लान क्या है, कहाँ जा, कहीं नहीं जा. दिस इज द बिगेस्ट इवेंट हैपनिंग. आप 31 को 31 मनाएंगे, एक को तो दो, एक ही रात भी कर लेंगे शायद पार्टी, दिवाली के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, छोटा क्रिसमस, बड़ा क्रिसमस, यही है हमारा सब कुछ. ये इवेंट है, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? भाई, वी आर जस्ट लिविंग द ड्रीम एंड वी आर ऑल सरेंडरिंग टू द गॉड एंड सेइंग थैंक यू. ये हो रहा है. सर भी थोड़ी बहुत मस्ती बताएंगे? सर थोड़ी नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत होती है. और ये इंसान जहाँ रहे वहाँ मस्ती ना हो ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज आई एम, मैं सही में बता रही हूँ कि मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ कि जो मेरा पहला लीड है ऐसे हीरो के साथ, बिकॉज ही सो लाइक, इतनी मस्ती होती है ना सेट पे, वो बच्चे ही बन जाते हैं मेरे साथ. एंड हम बहुत मस्ती करते हैं, हम डायरेक्टर सर के साथ भी मस्ती करते हैं, हम पूरे सेट वालों के साथ मस्ती करते हैं, हम पूरे दिन मस्ती, काम के साथ हमारी मस्ती चलते ही रहती है. हमारा बड़ा एक क्लियर रूल है जो कि हमारे डायरेक्टर साहब ने सेट किया है कि एक्शन और कट वो दो मिनट में तुम लोग एकदम जायज, वाजिब, ओरिजिनल, कोई मजाक. उसके बाद इसके अलावा मैं खिलाऊंगा, मैं घुमाऊंगा, मैं करूंगा, यूनिट करेगी सब तुमको बहुत, और हम यूनिट के लिए करेंगे, मजाक करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गाड़ी चलाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, खाना खिलाएंगे, कचौड़ी आएगी, जलेबी आएगी, मालपुआ आएगा, सब आएगा, जो जो खा सकता है खाए, नहीं लेकिन काम, ये सब तुम्हें सिर्फ तब मिलेगा जब तुम्हारे 98% 99% काम में आए. ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रीटमेंट तब और ये प्यार तब मिलेगा जब आप काम को कैजुअल लेंगे. और हम भी अपने काम को बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेना चाहते. करेक्ट. अच्छा, बात है मार्क से, तो रोहित भी नजदीक आ रहे हैं. बताइए क्यों? बताइए, मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और मेरी मम्मा मुझे पढ़ाती है, और टचवुड मुझे ऐसी टीम मिली है कि सारे लोग काफी कोऑपरेटिव, सारे लोग काफी कोऑपरेटिव है. डायरेक्टर सर काफी कोऑपरेट करते हैं, वो पूरे दिन में एक्चुअली मेक श्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि मेरी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े शो की वजह से. पढ़ाई भी मेरी चलती है प्रॉपर, और मुझसे पूछे जाते हैं टाइम टू. और हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पढ़ रही है तो यूनिट को उससे फर्क नहीं पड़ रहा. यूनिट पूछती है कि तूने पढ़ाई की, पढ़ाई की क्या, क्या पढ़ाई की, बताओ क्या सब्जेक्ट पढ़ रही है, एग्जाम किसका है, कितनी देर तेरा एग्जाम होगा. अच्छा, तो तू रेडी है, तेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, तेरा शॉट बाद में लगा लें क्या, पढ़ा भी दे, पढ़ ले. हाँ, और को एक्टर्स हैं जो जिस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं. मैं तो बड़ा ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं तो सच में माँ बाप के लिए ही पढ़ रहा था, मुझे तो यही करना था.
लेकिन हमारे सेट पे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं और कोई मैथ्स में बहुत काबिलियत रखते हैं, कोई किस में, तो वो जिस तरह से भी कि आशुतोष तुझे मैथ्स पढ़ा दे, हां तुझे ये करा देते, मम्मी भी पढ़ा देती है और मम्मा भी, मतलब मम्मा भी रियलाइज करती है कि ये सारे अपने लोग हैं, तो वो कि जा खेल चिल कर। तो ऐसा है, पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ा है, शो के साथ साथ पढ़ाई भी वैसे ही चल रही है जैसे चल रही थी और आगे भी चलेगी। और पॉजिटिविटी होगी तो मुझे लगता है फिर वो रिलेट होगी, वो स्क्रीन पे दिखेगा और हमें, हम यू कैन नॉट क्रिएट कि अब मैं यहाँ से ये करके पॉजिटिव, पॉजिटिविटी जब होती है तो वो दिखती है। अच्छा बालम के अगर स्पेशली कोई सब्जेक्ट पढ़ाना हो तो कौन सा सब्जेक्ट होगा? बालम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हां, केमिस्ट्री नहीं है भाई। परफॉर्म करने में बहुत बढ़िया केमिस्ट्री है हमारी, लेकिन हाँ मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। हाँ, एक बार हम आपको, एक बार आप फिर से इंटरव्यू रखें शो और एग्जाम्स के बाद, हम आपको रिपोर्ट कार्ड के साथ दिखाएंगे। आप तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। तो रिपोर्ट मैंने अपनी कोशिश की ना पूरी, बाकी रिजल्ट की चिंता नहीं है मुझे, मैंने कोशिश की ना, कोशिश इज द बिगेस्ट थिंग, बाकी उसकी चिंता नहीं करते कि क्या फ्रूट मिलने वाला है, तो बस जूस मिलता है मतलब नहीं उसकी चिंता नहीं करती मैं, मैंने अपनी मेहनत किया ना, बस मैंने अपनी होमवर्क की। चलिए तो अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? मैं शो बहुत सारी पॉजिटिविटी है, क्या कुछ अपने जनता से कहना चाहोगे? प्लीज़ 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 देखिए मेरा बालम थानेदार 9:30 को 3rd Jan से कलर्स पे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको इंटरटेन करने की और आगे भी करते रहेंगे, तो प्लीज़। जी मैं मेहनत तो हर जगह हर इंसान कर ही रहा है, लेकिन ऑन मतलब यूनिट्स भी मेहनत करती है, टीम भी मेहनत करती है, डायरेक्टर भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा काम मैंने किया तो आप लोग मुझे जानते हैं। श्रुति और मैं इसके लिए कहूँगा क्योंकि कई बार होता है कि मेरा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारा दारोमदार इसके कंधे पे भी रहता है, तो शायद ये सबसे छोटी होने के बाद सबसे ज़्यादा काम कर रही होती और हम लोग सब घर जा रहे होते, तो इसके लिए शो देखने ज़रूर आए। और मैं और मेरे डायरेक्टर साहब जब मॉनिटर पे बैठते हैं तो हम कहते हैं कि आपको बहुत प्यार आएगा, हम सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसलिए शो देखें और बहुत प्यार दें, आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर आए 3 जनवरी को शो देखने कलर्स पे 9:30 बजे सोमवार से शुक्रवार। मेरा बालम थाने का।